असल डियर लर्नर्स कैसे आप सब मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरत से होंगे ओके वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट अगेन आई एम विद दोंगयर फॉर फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट सो बेटा आई विश यू ऑल द बेस्ट माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू मे अल्लाह सक्सीड यू ओके तो एज यू ऑल नो कि मैंने आपको कहा था कि साइंस का पोर्शन जो है वो मैं वो यूट्यूब पे ही कंप्लीट करने जा रहा हूं लेकिन रहा सवाल स्पेशलाइजेशन पार्ट का दैट इज योर साइकोलॉजी पोर्शन एजुकेशन पोर्शन सोशोलॉजी पोर्शन वो मैं एप्लीकेशन थ्रू कंप्लीट करने जा रहा हूं और उसके लिए मैंने आपको कोर्स में एक लिंक मैंने क्रिएट की है वो जाके आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो और अगर आपको कोई दिक्कत आती है परचेज़ करने में तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी पता है जो जिसको नहीं पता है तो वो ये नोट करके रखेंगे सेवन सेवन एट वन सेवन थ्री ज़ीरो टू मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप एप्लीकेशन थ्रू परचेज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैं आपको आ, बैक एंड एड करूँगा एप्लीकेशन थ्रू ठीक है तो दिस वाज एन इंफॉर्मेशन एंड माय डियर व्हाई आई एम टुडे हियर बिकॉज यस्टरडे मैंने एक लेक्चर uh, अपलोड किया था साइंस को लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आगे भी आप इसी तरह रेस्पॉन्स दोगे इसी तरह कमेंट्स करोगे तो आपको पता है योर कमेंट इज माय कॉन्फिडेंस इज इट माय डियर तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और बिना देर किए हम आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला लेक्चर एक्चुअली ये पहला ही लेक्चर है कल मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि लाइफ प्रोसेस क्या है आपके सिलेबस में लाइफ प्रोसेस है लाइक like न्यूट्रिशन है लाइक like रेस्पिरेशन है है ना बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हमारे अंदर है और उनमें से दो चार आपके सिलेबस में हैं वो जाके हम आज कवर कर लेते हैं हालांकि पहला टॉपिक जो था वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी था लेकिन मुझे लगा कि भाई पहले हम ये वाला स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने पड़ेंगे क्योंकि यह अच्छा खासा कंटेंट है ठीक है तो चले भाई देर किस बात की है चले आज स्टार्ट करते हैं यस माय डियर व्हाट इज माइडियर लेक्चर इट इज व्हाट व्हाट इज न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन ठीक है कल ही मैंने आपको बताया था व्हाट न्यूट्रिशन इज देखो भाई सबसे पहले समझते हैं देखो मैं यहां पर जनरली मैं डायरेक्टली आऊंगा कोई एमसीक्यूज दस बारह अपलोड किए तो हो गया नहीं वो रटा मारने की आदत मत रखो यार पहले कॉन्सेप्ट को समझो कॉन्सेप्ट को जब आप समझोगे ना आप एमसीक्यूज खुद ब खुद करोगे गारंटी के साथ कहते हैं खुद ब खुद करोगे लेकिन पहले कंटेंट को समझो पहले इसको अंडरस्टैंड करो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बीएससी नहीं है जिन्होंने कभी साइंस बहुत पहले छोड़ दिया है टेंथ तक पढ़ा था तो वही टेंथ लेवल में यहां पे आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं मैं टेंथ वो डीपली वो बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत सारे बच्चों को फिर कंफ्यूजन होगा कि सर क्या पढ़ा रहे तो इसलिए बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे ठीक बात है ना तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या है देखो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे चाहे हम प्लांट की बात करेंगे या एनिमल्स की बात करेंगे या ह्यूम्स की बात करेंगे वी हैव मेनी बायोलॉजिकल uh, प्रोसेसेस तो उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को चलाने के लिए जो अंदर से हमारी एक्टिविटी है हमारी बेसिकली एक्टिविटी इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटीज है बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको चलाने के लिए हमें क्या जरूरत है हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है बेटा हमें बेटा एनर्जी की जरूरत है तो ये एनर्जी कहां से मिलती है सर ये न्यूट्रिएंट से मिलती है और हम ये न्यूट्रिएंट्स कैसे खाते हैं कैसे कंज्यूम करते हैं कैसे हम यूटिलाइज करते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन सर ये तो सिंपल है एग्जैक्टली exactly सिंपल है कोई मसला नहीं है सो वॉट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इट इज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहां पे मैं लिखूंगा प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है सर नथिंग इट इज फूड ठीक है बेटा ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इन ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स है कोई कोई चीज हमें एटमॉस्फेयर से मिल रही है लाइक like ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है मिनरल्स है हम जमीन से ले रहे हैं लाइक मिनरल्स है आयरन कैल्शियम लाइक जिंक फॉस्फोरस एटसेट्रा है ना तो ये न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक uh, भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं तो जब ये प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं न्यूट्रेंट्स को इंटेक करते हैं एंड सो द प्रोसेस ऑफ इंटेक यस एंड इट इज यूटिलाइजेशन एंड इट्स यूटिलाई यूटिलाइजेशन ओके बाय एन ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ठीक है अगर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे अगर वो न्यूट्रेंट्स नहीं लेगा अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही होती है तो वो बंद हो जाएंगी, तो इसलिए फॉर द मेंटेनेंस सर्वाइवल जिसको हम कहते हैं लाइफ कैसे प्रोवाइड होती है तो हमारे अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो इसमें से और एक एक प्रोसेस ही है लाइफ प्रोसेस में एक प्रोसेस है कि हम कहा से कह, कह, कैसे खाना खाते हैं किस तरह से उसमें एनर्जी निकलती है और कैसे वो डिफरेंट लाइफ कैसे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन रख पाती है सो दैट प्रोसेस इज कार्ड एज न्यूट्रिशन अगेन आई रिपीट सिंपल सर द प्रोसेस ऑफ इनटेक

तो इनऑर्गेनिक में क्या देखो जनरली अगर मैं प्लांट न्यूट्रिशन की बात करूंगा तो दे टेक इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक फिर वही ऑर्गेनिक मैटर जो है हम वही खाते हैं तो याद रखो बेटा प्लांट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे दे प्रिपेयर दियर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय एंड देन सोफार एज एनिमल आर कंसर्न सोफर एज ह्यूमेज आर कंसर्न हम वही ऑर्गेनिक फूड फिर क्योंकि इनऑर्गेनिक से ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक में राइट फिर हम वही ऑर्गेनिक फूड यूटिलाइज करते हैं यू गॉट माई पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनऑर्गेनिक में प्लांट न्यूट्रिशन रखूंगा समझ लेना बेटा प्लांट्स जो है प्लांट जो है आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लांट प्रिपेयर देअर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट कॉल्ड फोटोसेंथेसिस लेकिन अगर मैं बात करूंगा ना एनिमल्स की तो एनिमल्स जो है यह प्लांट्स पर डिपेंडेंट है यह प्लांट्स पर डिपेंडेंट है तो यह एनिमल जो है इनका न्यूट्रिशन डिफरेंट है किन से डिफरेंट है प्लांट से डिफरेंट है प्लांट्स खुद अपना प्रिपेर फूड करते हैं तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ सिंस वी हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी आर कार्ड एज हिट्रोट्रॉफ ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे तो मैंने पहले आपको यह समझाने की कोशिश की सर ये जो न्यूट्रिशन है ये वो प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रेंट क्या हासिल करते हैं किसके लिए फॉर द यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म सो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव आर यू गेटिंग माई पॉइंट हमारे अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसिस होते हैं तो इसकी वजह से हाँ उनको मेंटेन रखने के लिए वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट इट मे बी ऑर्गेनिक एंड इट मे बी इनऑर्गेनिक अगर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो प्लांट टेक इनऑर्गेनिक देखो भाई अगर मैं प्लांट की बात करूंगा मैं थोड़ा बहुत इसको डिटेल में बता रहा हूं ये प्लांट है बेटा ये प्लांट है अभी जो प्लांट है ना आउटसाइड द प्लांट वर्ल्ड क्या है एटमोस्फियर है है ना तो यहां पे सॉइल है ये कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल से हासिल कर रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर से हासिल कर रहा है आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल ये थ्रो वाटर वाटर रूट्स so, हासिल करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से इस्तेमाल करता है तो हाइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है एक प्लांट के लिए तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है और इसी इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये कन्वर्ट करता है स्टार्स में कार्बोहाइड्रेट में और वही कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हम क्या खाते हैं ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक लेकिन ये ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट आता कहां से है ये ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट प्लांट से आता है प्लांट कैसे बनाता है प्लांट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनटेक करता है और इनको फिर कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक से तो जो वही हम लेते हैं ट माई पॉइंट सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आई होप बेटा आपको ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया देखो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और ना ही आपको हम कंफ्यूजन होने देंगे इन शाह आप बस जुड़े रहे अपने शाहद सर के साथ और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो ओके थैंक यू तो चलिए बेटा अब अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बाद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है प्रोसेस क्या है प्लांट कैसे प्रिपेयर करता है एनिमल कैसे फूड हासिल करता है तो हमारा वे ऑफ टेकिंग फूड अलग अलग है तो मोड का मतलब क्या है मोड का मतलब है वेज ऑफ

यार नाइन्थ का टेंथ का फिफ्थ का सिक्स का टॉपिक है कोई दिक्कत नहीं है अनदर इज हिटीरियोट्रॉप अनदर इज हिटीरियोट्रॉप बेटा मैं लेट मी टेल यू साइंस का जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल सिंपल आने वाला है अब आप बड़े बड़े किताबें पढ़ोगे बीएससी की किताबें पढ़ना शुरू करोगे ट्वेल्थ के क्लासेस के बुक्स पढ़ना शुरू करोगे नो डोंट डू दिस मिस्टेक क्योंकि ये सुपरवाइजर का पोस्ट है आप देखो एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटीज हर कोई बंदा एलिजिबल है है ना तो साइंस का पोर्शन बिल्कुल हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने हार्ट ऑफ द सिलेबस कहा था दैट इज स्पेशलाइजेशन पार्ट उसको यार अच्छे से पढ़ लो क्योंकि स्पेशलाइजेशन पार्ट ही डिसाइड कर लेगा ठीक है तो ये तो सिंपल है ठीक बिल्कुल सिंपल आने वाला है इसमें कोई टेंशन इनको जरूरत नहीं है अब चलिए ऑटोट्रॉप्स की एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा सर कुछ प्लांट्स हैं कुछ प्लांट्स नहीं सारे प्लांट्स हैं सर बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं बैक्टीरियाज भी हैं तो हम आगे बात करेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया है वो कैसे अपनी न्यूट्रिशन करते हैं ऑटोट्रॉफ में कैसे आते हैं और हिटीरोट्रॉप में बेटा हम रखेंगे एनिमल्स को और बहुत सारे बैक्टीरिया भी है जो हिटीरोट्रॉप हैं एंड फंजय तो एग्जाम्पल आ सकती है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लाइक ऐसे आ सकता है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आज हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं वट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कल देखेंगे हिट्रोट्रॉप तो आज हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां डिस्कस कर लेंगे आई होप बेटा यू आर वेरी मच यू नो enjoying my lectures yes dekho bhai autotrophs ya autotrophic mode of nutrition okay देखो ऑटोट्रॉपिस का मतलब क्या है ये वो mode of nutrition है जिसमें एक organism अपना खाना खुद बनाता है ऑटो मीन सेल्फ सेल्फ न्यूट्रिशन सो एग्जाम्पल क्या है अगर मैं यहां पे बात करूंगा ना प्लांट की सो so, प्लांट्स जो है दे शो वट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है अभी तो मैंने बताया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट इज ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स तो यहां पे मैं एग्जाम्पल प्लांट देता हूं एंड ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस देखिए भाई सिंपल है कोई मुश्किल नहीं है बेटा वल्ला कोई मुश्किल नहीं जब हम ऑटोट्रॉपिस की बात करते हैं दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप विद सनलाइट कुछ बैक्टीरिया है वो केमिकल्स थ्रो अपनी न्यूट्रिशन करते तो हैं प्रोसेस है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए बेटा कि किस तरह से एक ऑटोट्रॉप अपना फूड बनाता है सर वो फूड बनाता है बिकॉज दियर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस अब ये फोटोसिंथेसिस जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इट इज शोन बाय व्हाट इट इज शोन बाय प्लांट्स फोटो तो ऑटोट्रॉफ वो है जो सनलाइट की वजह से सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो आगे बात करेंगे ये का मतलब क्या है देखो अगर मैं इस फोटो को ब्रेक करूंगा फोटो शबाश फोटो मीन लाइट वेरी गुड सिंथिस का मतलब है पुटिंग टूगेदर वेरी नाइस ऑफ यू पुटिंग टूगेदर ठीक है बेना ये क्या पुट टुगेदर कर दे क्या चीज पुट टुगेदर कर दे अभी सारी चीजें आपको समझ आएगी ये जो फोटोसिंथेसिस है इट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस वो भी हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है रिडक्शन का आगे आगे थोड़ा बहुत पहले हम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे फिर सिंपल से हम आपको कॉम्प्लेक्स लेवल तक ले जाएंगे ठीक है तो पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस में ये किन चीजों को अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और फिर कैसे फूड प्रिपेयर होता है तो चलिए सीखते हैं इस चीज को मैंने क्या कहा सर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खुराक खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल तो उन ऑर्गेनिज्म वो जो खुद खाना बनाते हैं उनको हमने क्या कहा ऑटोट्रॉफिस सर कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक like, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल्स द्वारा अपना खाना बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप तो कीमो ऑटो में एग्जाम्पल बैक्टीरिया है कुछ सल्फर बैक्टीरिया वगैरह है वो आपको याद रखने हैं लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूंगा प्लांट्स प्रिपेयर दियर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मेटीरियल तो वही हम सिंपल सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हाउ प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड हाउ प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड सो प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड बिकॉज दियर इज ए प्रोसेस वट इज दैट कार्ड ये दैट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फोटोसेंथेसिस पहले सिंपल समझाने की कोशिश करेंगे फिर जब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे जो भी हम पढ़ेंगे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट किया हिट्रोट्रॉपिक यानी न्यूट्रिशन कंप्लीट किया उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे दस दस बीस बीस ऑब्जेक्टिव उसके रिलेटेड आपको मिलेंगे ठीक है ना आप बेफिक्र रहो बेटा ओके नाउ ये जो फोटो है हम यहां पर लिखेंगे इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस प्लांट्स प्रिपेयर दिय ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये हम आपको बताएंगे सिंपल सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे लो बेटा ये मैंने थोड़ा प्लांट बनाया ठीक है ना बेटा ठीक एंड मान के चलते हैं इट इज द लीफ मान के चलते इट इज लीफ ओके तो सोइल से एक इनऑर्गेनिक मटेरियल आएगा दैट इज एच टू ओ तो यहां से एटमोस्फेयर से क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो ये दोनों वॉटर और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर चला जाएगा देखो बेटा सिंपल फोटोसिंथेसिस मैंने क्या कहा सर इन दिस प्रोसेस प्लांट्स प्रिपेयर दियर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अब ये क्लोरोफिल कहां होता है क्लोरोफिल होता है लीफ में मीजोफिल पार्ट ऑफ द लीफ ठीक हाँ, है क्लोरोफिल यहां पे होता है तो यहां से लाइट आएगी ये लाइट क्लोरोफिल पे पड़ेगी यहां से आएगा वाटर यहां से आएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट ये क्लोरोफिल आपस में मिल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म सी सिक्स एच टैट इज ग्लूकोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है सर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है प्लांट की ये प्रोसेस है जिसमें ये अपना खुराक खुद बनाता है रॉ मेटीरियल से कौन कौन सा रॉ मेटीरियल मैंने कहा अभी वन इज कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकोज दैट इज सी सिक्स एच टू ओ सिक्स ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा तो यहां पर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट अपना खुराक खुद बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहां पे होती है लीफ में लीफ के किस पार्ट में लीफ में वो मिजोफिल पार्ट में सेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट हा और पिगमेंट होता है क्लोरोफिल तो इसी की वजह से ये सारा चीज होता है दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस तो इक्वेशन क्या होगी देखो मैं सिंपल बताऊंगा यहां पे आ, यहां पे सिंपली uh, मैं लिखूंगा इक्वेशन uh, को याद रखेंगे बेटा प्लस इट गिवस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ ये क्या प्रिपेयर करेगा सी सिकिस एच प्लस ये लिबरेट करेगा ना हमारे लिए ऑक्सीजन करेगा ना तो ये इनटेक तो कार्बन डाइऑक्साइड कर लेता है लेकिन छोड़ेगा क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के छोड़ेगा अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है एंड यहां पे सिक्स टाइम्स इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर एच टू निकलेगा एंड प्लस देर इज सिक्स टाइम्स ओ टू यू गॉट माई पॉइंट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिक्स टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्विवज ओ टू ओके एंड दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज ग्लूकोज यू गॉट माई पॉइंट तो ये है वो प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट ऑटोट्रॉप अपना खुराक बनाते हैं सो किचन ऑफ द प्लांट क्या है लीफ है लीफ के किस हिस्से में दैट इज क्लोरोफिल 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 और जो है है ये लीफ के अंदर होता पार्ट ऑफ द सेल ये उतना ज्यादा डिटेल अगर टाइम मिला वो भी हम आपको पढ़ाएंगे तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वॉट वी कॉल्ड एज फोटोसि अब ये जो कैलविन साइकिल सी फोर साइकिल सी थ्री साइकिल वो डोंट वहां पर हम नहीं जाएंगे बिकॉज आप लेट मी टेल यू आपका बहुत सिंपल पैटर्न होगा वहां पे वैसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे यू गॉट पॉइंट सो दैट इज द हायर लेवल तो यहां पे मैं आपको टेंथ स्टैंड स्टैंडर्ड यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं तो बाकी आपको उतना ज्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है तो क्या आपने सीखा किस रॉ मिटीरियल क्या क्या है अब रॉ मेटीरियल है कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मेटीरियल है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इट गिवज यू ग्लूकोज एंड वाटर अब यहां पर मसला है किस ये मैंने अभी कहा कि फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस होता है ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिड्यूस होता है और वाटर गेट ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन यहां वाटर वाटर से ही निकलता है ऑक्सीजन तो वाटर में हो जाता है ऑक्सीडेशन तो दो चीजें आपने लिखी यहां पे याद रखनी है सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन होती है और सर जो ये वाटर होता है इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सी सिक्स एच ओ सिक्स यहां पर है ना ये आप देख लो तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हियर वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ये याद रखना है और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है ये जो ऑक्सीजन यहां से निकल गया ना क्या ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी था वाटर में भी था लेकिन आपको याद रखना है ये ऑक्सीजन जो है व्हेन वाटर गेट सुप्लिटेड वाटर सुप्लिट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है तो यहां पर ऑक्सीजन जो है कम्स फ्रॉम एच टू ओ क्वेश्चन है चांसेस है आने का यू गॉट माई पॉइंट सो दिस बनाते हैं हेल्प ऑफ रॉ मेटीरियल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल कहाँ होता है लीफ में होता है बेटा याद रखना है लीफ में और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट एक सेल है हा? ये सेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट इनको कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल ये आ सकता है बेटा ये वाला पॉइंट भी आप लिखो जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसको कहते हैं किचन हाउस किचन हाउस ऑफ सेल किचन हाउस ऑफ द प्लांट बोलो या किचन हाउस ऑफ द सेल बोलो या प्लांट बोलो वट तो एक सेल में एक सेल्युलर uh, ऑर्गेनिली होती है दैट इज क्लोरोप्लास्ट जिस तरह क्लोरोप्लास्ट वगैरह सेल होती है तो इसको किचन हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल अगर मौका आया वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया आज हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें मेन पॉइंट था फोटोसेंथेसिस तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया इफ रियली really देन लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट ओके और अगर आप सोशल को एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरा नंबर जो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड किया था वो उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बाकी थैंक यू मेला ब्लेस यू और कल जो लेक्चर आने वाला है वो आएगा टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप उसके साथ ही हम हिटेरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करेंगे थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप लर्निंग